आइए भक्तों, शिव शक्ति संसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिव पुराण की विदेश्वर संहिता का संहिता में 11वां अध्याय, आइए शुरू करते कथा। शिवलिंग की स्थापना और पूजन विधि का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए तथा उसकी पूजा कैसे, किस काल में तथा किस द्रव्य द्वारा करनी चाहिए? सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, इसे ध्यान से सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में नदी के तट पर ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ रोज पूजन कर सके। पार्थिव द्रव से, जलमय द्रव से अथवा तेजस द्रव से पूजन करने से उपासक को पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। शुभ लक्षणों में पूजा करने पर यह तुरंत फल देने वाला है। चल प्रतिष्ठा के लिए छोटा शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है, अचल प्रतिष्ठा हेतु बड़ा शिवलिंग अच्छा रहता है। शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग की पीठ गोल, चकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला है। पहले मिट्टी अथवा लोहे से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण हो उसी से उसके पीठ बनाना चाहिए। यही अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेषता है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में लिंग व प्रतिष्ठा एक ही तत्व से बनानी चाहिए। लिंग की लंबाई स्थापना करने वाले मनुष्य के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। इससे कम होने पर फल भी कम प्राप्त होता है, परंतु 12 अंगुल से लंबाई अधिक भी हो सकती है। चल लिंग में लंबाई स्थापना करने वाले के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए, इससे कम नहीं। यजमान को चाहिए कि पहले वह शिल्प शास्त्र के अनुसार देवालय बनवाएं तथा उसमें सभी देवगणों की मूर्ति स्थापित करें। देवालय का गर्भगृह सुंदर, सुदीर और स्वच्छ होना चाहिए। उसमें पूर्व और पश्चिम में 2 मुख्य द्वार हों जहां शिवलिंग की स्थापना करनी हो। उस स्थान में गर्त वे नीलम, लाल, वैदुर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को वैदिक मंत्रों से के साथ जोड़ें। 5 वैदिक मंत्रों द्वारा 5 स्थानों से पूजन करके अग्नि में आहुति दें और परिवार सहित मेरी पूजन करके आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचकों को स्वर्ण ग्रह एवं भू संपत्ति तथा गाय आदि प्रदान करें। स्थावर जगम सभी जीवों को यतन पूर्वक संतुष्ट कर एक घड़े में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सकें। परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओकार ओम का उच्चारण करके गड्ढे में पीठ युक्त शिवलिंग की स्थापना करें। वहां परम सुंदर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए तथा भूमि संस्कार की विधि जिस प्रकार शिवलिंग के लिए की गई है उसी प्रकार मूर्ति की प्रतिष्ठा भी करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना अर्थात प्रतिष्ठा 50 मंत्र से करनी चाहिए। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है, परंतु वह साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार शिवलिंग में मूर्ति द्वारा की गई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करनी चाहिए, करनी वाली है। स्थावर और जगम से लिंग भी 2 तरह का हो गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जगम लिंग। स्थावर लिंग को सींचना चाहिए तथा जगम लिंग को आहार एवं जल देकर तृप्त करना चाहिए। यों चराचर जीवों को
भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उसका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विधिक उपचारों द्वारा उसका रोज पूजन करें तथा देवालय के पास ध्वजरोपण करें। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करके करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्ध्यपाद, पादक आचमन, स्नान, अवस्त्र, यज्ञोवित, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तामूल समर्पण, निराजन, नमस्कार तथा विसर्जन, ये 16 उपचार हैं। इसके द्वारा पूजन करें। इस तरह किया गया भगवान शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। सभी शिवलिंगों की स्थापना के उपरांत चाहे वे मनुष्य द्वारा स्थापित ऋषियों एवं देवताओं द्वारा अथवा अपने आप प्रकट हुए हों, सभी का उपयुक्त विधि से पूजन करना चाहिए, तभी फल प्राप्त होता है। उसकी परिक्रमा और नमस्कार करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का नियम पूर्वक दर्शन भी कल्याणकारी होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म आदि अन्न से शिवलिंग बनाना प्रतिदिन पूजन करें तथा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्रों का जाप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 प्रणव मंत्रों का जाप करें, इससे भी शिव पद की प्राप्ति होती है। जप काल में प्रणव मंत्र का उच्चारण मन की शुद्धि करता है। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार को कुछ विधान समान प्रणव कहते हैं। प्रतिदिन 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप अथवा दोनों संध्याओं को 1,000 मंत्र का जाप शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। सभी ब्राह्मणों के लिए प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अति फलदायक है। कलश से किया स्नान मंत्र की दीक्षा मातृकाओं का न्यास सत्य से पवित्र अंतःकरण ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु सभी को उत्तम माना गया है। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जाप करने से मनुष्य भगवान शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ जाप करके मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त कर लेता है। यदि 1,000 दिनों तक प्रतिदिन 1,000 जाप पंचाक्षर मंत्रों का किया जाए तो प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो इससे अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1,000 पाठ बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र शिव पद की प्राप्ति कराता है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तियों का भी नियम से जाप करें। अन्य मंत्रों से जितने अक्षर हैं उनके उतने लाख जाप करें। इस प्रकार यथाशक्ति जाप करने वाला मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। अपनी पसंद से कोई एक मंत्र अपनाकर प्रतिदिन उसका जाप करें अथवा ओम का नित्य 1,000 जाप करें। ऐसा करने से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे लगाता है तथा शिव मंदिर में झाड़ने बुहारने की सेवा कार्य करता है, ऐसे शिव भक्त को पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है। अतः अंत समय में भगवान शिव को उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी में निवास करने से भी लोग योग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए अमरण भगवान शिव के क्षेत्र में निवास करना चाहिए। उस क्षेत्र में स्थित बावड़ी, तालाब, कुआं और पोखर को
शिवलिंग समझकर वैष्णान दान और समझ और जाप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दह दशा मासिक श्राद्ध अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद प्राप्त करता है। लोक में अपने वर्ण के अनुसार आचरण करने व सदाचार का पालन करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से किया गया कार्य अभीष्ट फल देने वाला एवं शिव पद प्राप्त करने वाला होता है। दिन में प्रातः मध्यान्ह और सायं दिन विभाग होते हैं, तीन विभाग होते हैं। इसमें सभी को एक एक प्रकार के कर्म का प्रतिपादन करना चाहिए। प्राप्त काल रोजाना दैनिक शास्त्र कर्म, मध्यान्ह सकाम कर्म तथा सायकाल शांति कर्म के लिए पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में चार पहर होते हैं, उसमें से बीच में दो पहर निशिथल काल कहलाते हैं। इसी काल में पूजा करनी चाहिए क्योंकि यह पूजा अभीष्ट फल देने वाली है। कलयुग में कर्म द्वारा ही फल की सिद्धि होती है। इस प्रकार विधि पूर्वक और समय अनुसार भगवान शिव का पूजन करने वाले मनुष्य को अपने कर्मों का पूरा फल मिलता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, ऐसा पुण्य क्षेत्र कौन से हैं जिसका अक्षय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं, कृपा करके हमें बताएं। कथा समाप्त। अगर हमारी कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।